नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों का। सबसे पहले भोपाल से एक बड़ी जानकारी। पीसी शर्मा का एक विवादित बयान सामने आया, जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर बयान दिया है। केंद्र के नेताओं की एंट्री पर अब सियासत मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई। नेताओं पर जनता पत्थर टमाटर फेंक रही है, केंद्र के नेताओं को आगे कर रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा में रथों पर निकल रहे हैं, रथ पर तो रावण चलता था, ये कहना है पीसी शर्मा। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर हमलावर हैं पीसी शर्मा। कांग्रेस की तरफ से भी बड़े स्तर पर बयानबाजी, लेकिन अब बड़े नेताओं की एंट्री पर भी सियासत। उन्होंने कहा है कि नेताओं पर जनता पत्थर और टमाटर फेंक रही है, रथ पर ये निकल रहे हैं, रथ पर तो रावण भी निकलता है। तो पत्थर और टमाटर फेंक रहे हैं ना, तो इनका लाओ ये, इनको दिल्ली वालों को शायद कुछ ठीक हो जाए। ये तो जो है जनता परेशान हो चुकी है, ये 20 साल से इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, ये उसमें जन आशीर्वाद में ऐसा नहीं कि पैदल निकले, ये रथों पे निकलते हैं, जिससे पत्थर वहां तक नहीं जाए या टमाटर वहां तक नहीं जाए, तो इसलिए रथों पे निकल रहे हैं। अरे रथ पे तो रावण चलता था। भोपाल से अगली बड़ी खबर, पीसी शर्मा के इस बयान को लेकर बीजेपी भी हमलावर। पीसी शर्मा ने कही अज्ञानता वाली बात, ये बीजेपी कह रही है। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का बयान भी, पीसी शर्मा ने अज्ञानता वाली बात कह दी है। देवता भी रथ पर चलते थे, इसके लिए उनको माफी भी मांगनी चाहिए। प्रदेश और देश में कांग्रेस के नेता रथों पर चल रहे हैं, क्या पीसी शर्मा उन्हें भी रावण की संज्ञा देंगे? जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर पीसी शर्मा ने कहा कि रथ पर रावण चलता है, उसको लेकर ही पलटता है। एक इंजीनियर मुख्यमंत्री इन सब चीजों को समझ रहे थे कि साक्षरता बढ़ाना है। अगर आप देखें स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, ये सब उस 10 साल की जो सरकार थी दिग्विजय सिंह जी, उसमें ये सब आए क्योंकि उनका ध्यान इस ओर था। बजट संसाधन कम था, उसके बाद 21% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन प्रेजेंट सरकार जो मतलब डबल है 20 साल लगभग दो दशक, उसके बाद भी 8-8.5% बढ़ी है। इनका ध्यान इस ओर कभी नहीं रहा कि लोगों को शिक्षित करें, क्योंकि ये जानते हैं कि लोग जब शिक्षित हो जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो बीजेपी को वोट नहीं करेगा। तो पत्थर और टमाटर फेंक रहे हैं ना, तो इनका लाओ ये, इनको दिल्ली वालों को शायद कुछ ठीक हो जाए। ये तो जो है जनता परेशान हो चुकी है, ये 20 साल से इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, ये उसमें जन आशीर्वाद में ऐसा नहीं कि पैदल, ये आपने सुना पीसी शर्मा को। लगातार जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कांग्रेस भी आक्रामक है, और एक बार फिर से बयान उनका सामने आया है जन आशीर्वाद यात्रा के खिलाफ। सहयोगी वासु चौरे से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। वासु, हमला करने में कोई पीछे नहीं है, बयान सबकी तरफ से आ रहे हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लेकिन सियासत एक बार फिर से इस बयान से बढ़ती हुई। निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनावी कैंपेन है जन आशीर्वाद यात्रा, और पिछले कई चुनावों की अगर बात करें तो ये कैंपेन बीजेपी के लिए खासा सक्सेसफुल भी साबित रहा है। और यही बात है कि एक के बाद एक लगातार 3 बार बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में बीजेपी को कामयाबी मिली थी, और इसी के चलते इस पूरे अभियान को लेकर, इस पूरी जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर जमकर सियासत भी होती है। कांग्रेस ने जन आशीर्वाद यात्रा पर निशाना साधा है। कांग्रेस का ये कहना है कि जनता जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव कर रही है और टमाटर फेंके जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने जो काम किए हैं उनसे जनता बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, और यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश नेताओं को पीछे करके केंद्र के जो नेता है उन्हें आगे करने का काम बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने ये तक कह दिया कि जन आशीर्वाद यात्रा में पांव पांव चलना चाहिए, लेकिन ये लोग तो रथ पर सवार होकर चल रहे हैं, रथ पर रावण चलता था। तो देखिए, कहीं ना कहीं अब जो सियासी वार पलटवार का जो दौर है वो और भी ज्यादा तेज, तीखा और तल्ख होता हुआ नजर आ रहा है, और उम्मीद कीजिएगा कि आने वाले समय में और भी ज्यादा सियासत गर्माती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में चुनावों में चंद दिन बाकी रह गए हैं, और जो कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला है वो काफी ज्यादा कड़ा और कांटे की टक्कर जो है वो नजर आ रही है। इस तरीके की जो एनालिसिस है वो निकलकर मध्य प्रदेश के चुनाव से
सामने आ रहे हैं, वहीं बीजेपी भी कहीं पीछे नहीं है। बीजेपी भी कांग्रेस के तमाम अभियानों को लेकर, बयानों को लेकर लगातार प्रतिक्रिया देने का काम कर रही है और दोनों ही पक्ष एक दूसरे के ऊपर लगातार आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, अपनी अपनी बात और अपने अपने तरीके से जनता के बीच रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि जनता की अदालत में किसकी जीत होती है, जनता की कसौटी पर कौन कितना खरा उतर पाता है। जी ठीक है, चलिए देखने वाला विषय। बहुत शुक्रिया आपका वास्तु जानकारी के लिए। तो आप सुन रहे थे पीसी शर्मा को भी, किस तरह से उन्होंने वार किया है इस पूरी बात को लेकर। जन आशीर्वाद यात्रा आक्रामक लगातार कांग्रेस से लेकर, रिएक्शन भी बीजेपी की तरफ से, लेकिन कितने सफल होते हैं राजनेता इसमें, ये आगामी चुनाव स्पष्ट कर पाएगा। मिलाकर आप कह सकते हैं कि पीसी शर्मा के इस बयान के बाद सियासत बढ़ने वाली है, लेकिन पीसी शर्मा के इस बयान के जवाब में बीजेपी ने क्या कहा है, ये भी आपको सुना देते हैं। देखिए, जो रामद्रोही हैं, जो हिंदुत्व विरोधी हैं, जो सनातन के मूल विरोध करते हैं, उनके मुख से इसी तरीके की अज्ञानता वाली बातें निकलेंगी। पीसी शर्मा जी को अपना ज्ञान सुधारना भी चाहिए और मुझे लगता है कि हमारे जितने देवी देवता रथों पर चले हैं उनके लिए माफी भी मांगनी चाहिए। बाकी पीसी शर्मा जी ये बताएं कि मध्य प्रदेश में जब जब उनके नेता इन रथों पर चले हैं या देश में जब भी चले हैं यात्रा स्वरूप, तो क्या वो उनको भी इसी संज्ञा से मानते हैं? और अभी कुछ समय पहले कांग्रेस के नेताओं ने जनता को राक्षस कहा, उनको श्राप दिया, और अब ये नई संज्ञा देके पीसी शर्मा जी ने उसी मानसिकता और भावना को आगे बढ़ाया। लिए बड़ी खबर, जन आशीर्वाद यात्रा यहां पर लगातार चल रही है। परंपरागत तरीके से यात्रा का स्वागत भी यहां पर किया गया, सिर पर कलश और नारियल रखकर यहां लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं भी यहां पर रहीं, सड़क किनारे खड़े होकर स्वागत करती नजर आई। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, सांसद संध्या राय भी इस रथ पर मौजूद हैं और ये कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दतिया की। जब गृहमंत्री इस रथ के साथ आगे बढ़ रहे थे तब इतने उत्साह के साथ दतिया वासियों ने उनका स्वागत यहां पर किया। यात्रा क्रमांक 5 लगातार आगे बढ़ रही है, भांडेर से अब दतिया विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रही है। आप देख सकते हैं सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा रथ पर सवार है, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं लोगों का। स्थानीय विधायक है वो इसके अलावा अब जो है वो सांसद जो है वो रथ पर सवार है। तमाम देख सकते हैं परंपरागत तरीके से यहाँ स्वागत के लिए जो महिलाएं हैं वो यहाँ खड़ी है और ये जो कलश है वो रखकर यहाँ पर बहुत सुबह से खड़ी हुई थी और अब इंतजार कर रही थी। हल्का हल्का बारिश भी हो रही है, लेकिन उस बारिश के दौरान भी उत्साह जो है लोगों का साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में निकाली जा रही है उसको लेकर उत्साह जो है वो लोगों में है। और देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनके साथ स्थानीय जो सांसद भिंडतिया संध्या राय वो भी वहां मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ते जा रही है लोगों का उत्साह जो है वो बढ़ता जा रहा है और हर जगह परंपरागत तरीके से यात्रा का स्वागत भी किया जा रहा है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सैलन सिंह, न्यूज 18 दतिया। जशपुर की आगे बात करेंगे जहां दुर्ग सांसद विजय बघेल ने एक बड़ा बयान दिया है, मुख्यमंत्री को चुनाव हराएंगे, पाटन से वो चुनाव चूंकि लड़ रहे हैं और जनता ही जवाब देगी। उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री दूसरी सीट तलाश रहे हैं। विजय बघेल की तरफ से ये दावा भी, किसानों से दादागिरी कर वर्मी कंपोस्ट बेचा जा रहा है और चुनाव में जनता जवाब देगी, ये उन्होंने कहा है। पाटन सीट की अगर आगामी चुनाव के लिहाज से बात करें तो विजय बघेल वर्सेस भूपेश बघेल यहां पर होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही दावा उन्होंने कर दिया है कि जनता उन्हें हराएगी। चुनौती स्वीकार, मैं तो प्रत्याशी हूं, लेकिन वहां जनता उसको चुनाव हरा रही है। वहां हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ता भाई बहन उसको चुनाव हरा रहे हैं। आप इसी में अंदाज लगा लीजिए ना, मुझे मुख्यमंत्री के खिलाफ पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और मैं यहाँ 27 विधानसभा घूम रहा हूँ। अब देख लीजिए, अभी बाकी प्रत्याशी अपना विधानसभा नहीं छोड़ रहे हैं और मैं घूम रहा हूँ, तो इससे ही आप समझ लीजिए वहाँ चुनाव हम जीत रहे हैं और वो फड़फड़ाया हुआ है।
ऐसे खबर भी है कि कभी कोटा विधानसभा देख रहा है तो कभी खैरागढ़ देख रहा है तो कभी धरसीवां देख रहा है, पता नहीं क्या करेगा, लगे हुए हैं। और वहाँ की जनता तो ज़्यादा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। पाटन की जनता ने 5 बार उनको विधायक बनाकर इस लायक बनाया कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन सबसे ज़्यादा छलावा उनके साथ हुआ है, उनके साथ भी दादागिरी हो रही है, वहाँ के किसानों से भी दादागिरी करके ये वर्मी कंपोस्ट बेचा जा रहा है। कोरबा से अगली बड़ी खबर, एटीएम में मदद के बहाने कार्ड बदलकर 2 लाख की ठगी को अंजाम दिया गया है। बुधवारी स्थित एटीएम में पहुंचे 2 युवकों ने ठगी की है। घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए ठग। ठगी करने लग्जरी कार में दोनों ठग पहुंचे थे। आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, तस्वीरें आप देखिए, कोरबा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ठगों की गिरफ्तारी में पुलिस भी जुटी हुई। इससे पहले एक और मामला सामने आ चुका है, 60,000 की ठगी कार्ड बदलकर, और आज ही के दिन ये दूसरी ऐसी घटना। ये कुछ सीसीटीवी फुटेज जिसमें ये लग्जरी कार जो आपको नजर आ रही है इसी में ठग सवार होकर पहुंचे, 2 लाख का चूना लगाया और फरार। और अब रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए चेतावनी जारी की है। छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ है, कल सुबह तक के लिए अलर्ट है। पेंड्रा, बिलासपुर, मुंगेली, बस्तर, कोंडागांव में येलो अलर्ट है। इन 5 जिलों में भारी वर्षा होने की पूरी संभावना। रायपुर के मौसम को लेकर भी ये जानकारी, छत्तीसगढ़ के तौर पर अगर आप देखें तो राज्य में अभी बारिश जारी रहने वाली है, कल सुबह तक के लिए अलर्ट है, भारी बारिश की संभावना अलग अलग जिलों के लिए। अगली खबर कोरबा से, जहां कुसमुंडा खदान की आर्थिक नाकेबंदी शुरू हो गई है। एसईसीएल के कुसमुंडा कोयला खदान के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, रोजगार और पुनर्वास की मांग है। इसे लेकर आंदोलन की स्थिति लगातार, रेल और सड़क मार्ग से होने वाली कोयला ढुलाई को रोका है। सीआईएसएफ और कुसमुंडा पुलिस मौके पर तैनात है। हंगामा बढ़े नहीं, ये कोशिश उनकी तरफ से लगातार हो रही है, लोगों को समझाइश देने का प्रयास किया जा रहा है। रोजगार और पुनर्वास मुख्य मांगों में शामिल है और इसी के चलते आर्थिक नाकेबंदी के लिए सभी लोग प्रदर्शन की राह पर। ये तस्वीरें कोरबा से ही सामने आई हैं। सीआईएसएफ और कुसमुंडा पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। स्थिति ना बिगड़े, हंगामा ज्यादा ना हो, समझाइश दी जा सके, ये प्रयास भी उनकी तरफ से लगातार किया जा रहा है। कांकेर से अगली खबर आपको बताएं, जहां सरोना तहसील के किसानों ने रैली निकाली है। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन हुआ। 45 किलोमीटर दूर से जिला मुख्यालय सभी पहुंचे और साई मुंडा और बासनवाही पंचायत से जिला मुख्यालय की ओर उन्होंने कूच किया है। तो ये बड़ी खबर कांकेर से, सरोना तहसील के किसानों की तरफ से इस बार प्रदर्शन। 3 सूत्रीय मांगे लगातार उठा रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होने के चलते ट्रैक्टर के जरिए प्रदर्शन पर निकले। 45 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पहुंचे साई मुंडा और बासनवाही पंचायत से जिला मुख्यालय की ओर कूच किया। तस्वीरें आप देखिए, ट्रैक्टर पर सवार किसान 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हल्ला बोल किया। कोरबा से अगली बड़ी खबर, जहां मुआवजे की मांग को लेकर चक्का जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। ग्रामीण और किसानों ने चक्का जाम किया है। नेशनल हाईवे निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। पाली के मुनगा डही गांव में जाम की स्थिति है। चक्का जाम से बिलासपुर पाली मार्ग पूरी तरह से बाधित होता हुआ है। कोरबा की ये तस्वीरें हैं, चक्का जाम खुलवाने के लिए पुलिस प्रशासनिक टीम लगातार पहुंची हुई है, कोशिश की जा रही है कि समझाइश दी जा सके। सड़क निर्माण हुआ लेकिन मुआवजा यहां पर ग्रामीणों को नहीं मिला, इससे लेकर नाराजगी। कांकेर से अगली खबर है, छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगा ली है। छात्र के फांसी लगाने पर हॉस्टल में हड़कंप की स्थिति। ग्राम हुरा पिंजोड़ी का रहने वाला एक छात्र बताया जा रहा है। मामले की जांच पुलिस भी करे क्योंकि अभी तक वजह निकलकर सामने नहीं आ पाई कि किस वजह से छात्र ने घातक कदम उठाया। कांकेर से खबर, हॉस्टल में छात्र ने फांसी लगाई, फांसी लगाने पर हॉस्टल प्रबंधन में भी हड़कंप की स्थिति है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है, जानकारी जुटाने की कोशिश, परिजनों से भी बातचीत की कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।